ओम शांति। 2 मार्च 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बाप समान संपूर्ण निर्विकारी बन विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे। स्व उन्नति का आधार याद और धारणा है, तो आज याद और धारणा में मेरी क्या परसेंटेज है, इसका अंतर क्यों आ जाता है, तो मुझे संपूर्ण बनने के लिए इन दो बातों पर आज अटेंशन देना है, उतनी ही मेरी स्व उन्नति होगी। याद के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। बाप का फरमान है, याद की यात्रा में रहना है, उठते बैठते चलते फिरते। तो इस फरमान को आज अपने अंदर देखेंगे, मैंने सारा दिन कितना पालन किया, क्योंकि जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतना ही हमारे पाप भस्म होंगे, विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पावन बनती जाएगी। इसके लिए विधि बताई बाबा ने, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। आत्म अभिमानी बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, यह अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, इस शरीर में पाठ बजाने आई हूँ, मैं पुनर्जन्म लेती हूँ। आत्मा ही अपने अंदर अच्छे और बुरे संस्कार ले जाती है, तो अपने स्वधर्म में स्थित होकर के शांति के सागर की याद से, शांति के सागर की शिक्षाओं को जीवन में धारण कर मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। ये अभ्यास आज हम करते जाएंगे। दूसरा है याद का आधार प्यार। जितना बाप के साथ प्यार होगा उतना ही याद पक्की होगी। तो आज बड़ी रमणीकता से भिन्न भिन्न संबंधों से बाप की याद में रहेंगे, क्योंकि बाबा इस समय हमारे साथ सर्व संबंधों को हमें अनुभव कराते हैं। पिता के संबंध से हमें विश्व की बादशाही देते हैं, टीचर बन करके हमें ऐसी नॉलेज देते हैं पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की, जिसमें सब कुछ आ जाता है। ये नॉलेज में कोई आवाज़ नहीं है। इस नॉलेज को जब हम जीवन में धारण करते हैं तो हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं, और टीचर हमें, सतगुरु हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। इस समय मुक्ति और जीवन मुक्ति सबको ही मिलती है, लेकिन हमें सतयुग की बादशाही मिलती है। उस साजन के सम्मुख हम आत्माएं हैं, उस साजन को बहुत प्यार से याद करना है। साजन के साथ सगाई हुई तो बाबा ने कहा, याद भी आपकी पक्की हो जाती है। जब हम उस साजन का याद करते हैं, आत्मा समझकर उसको याद करते हैं, तब हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो हमें सतयुग में ससुराल घर अर्थात विष्णुपुरी में भेज देते हैं। तो ऐसे बाबा को याद हम आज निरंतर करेंगे, और जितना हम याद करते जाएंगे आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जाएगी। कुछ धारणाओं पर भी आज हम अटेंशन देंगे। बाबा ने कहा, बीती बातों को बीती कर अपने आप को सुधारो। बाबा ने चेकिंग के लिए कहा कि जितना आत्म अभिमानी होंगे उतना ही कोई भी क्रिमिनल असल्ट नहीं होगी, मतलब हम सिविल बनते जाएंगे। और इसी तरह बाबा ने कहा, बाप की श्रीमत है कि विकारों पर जीत पानी है, विकार में नहीं जाना है, पवित्रता की धारणा करनी है। घर गृहस्थ में रहते हुए ही जब हम पवित्रता की धारणा करेंगे, उसके लिए बाबा ने हमें बताया कि भविष्य को सामने रखो कि हमें ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण निर्विकारी बनना है, और अपने जन्म को भी स्मृति में रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, और बातों से अपनी बुद्धि को निकाल देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना हम संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते जाएंगे उतना ही बाप की डायरेक्शन को कैच करेंगे और देह अभिमान को छोड़ते जाएंगे। देहधारियों के बीच बाबा ने कहा, सारे संबंध मेरे साथ रखो। अगर किसी देहधारी में
हल्का सा भी लगाव होगा तो हम बाप से विमुख हो जाएंगे, इसलिए वो संबंधों का, सरल संबंधों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये धारणाएं आज स्मृति में रखनी है। एक विशेष धारणा ये बताई, गुस्सा करना, ठगी करना और पाप करना, इन जो विकार है इनको भी छोड़ना है, क्योंकि इस समय हम संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और बाप को अपनी याद की यात्रा का चार्ट देना है, कितना हम बाप की याद में सारा दिन रहते हैं और कितना हम निर्विकारी बने हैं, ये चार्ट भी बाबा को देना है। सेवा के लिए बाबा ने कहा कि अंदरूनी बाप की याद में रह करके तुम्हें बाप की सेवा करनी है, अर्थात ज्ञान समझाना है, तब योग का जौहर होगा ज्ञान की तलवार में तो दूसरों को तीर लगेगा। तो इसके लिए बाबा ने कहा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी है, जिसमें सब धर्म भी आ जाते हैं, झाड़ भी आ जाता है और चक्र भी आ जाता है। मुख्य है रचयिता और रचना का परिचय देना, बाप का परिचय देना है। और जब बाबा ने कहा तुम बाप का परिचय देते हो, उनको ये निश्चय बिठाना है, वो बाप हमें इस समय वर्षा देते हैं, तो इस तरह जब उनका निश्चय बैठ जाए तब आगे समझाना है, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओम शांति।